हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ किस तरीके से SBI का एम पिन चेंज कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो लास्ट तक देखिए और आप सीख सकते हैं किस तरीके से चेंज कर सकते हैं एम पिन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको एक बात और मेंशन करना चाहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने से काम नहीं चलेगा, साथ में आपको बेल आइकन भी दबाना पड़ेगा, तभी आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो सिंपली आपको जो कि मोबाइल ऐप है जो कि आपको ओपन कर लेना है, ओपन करने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस दिखेगा, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप लॉगिन करेंगे आपको इस तरीके से ओपन दिखेगा, तो आपको यहाँ पर सेटिंग पे क्लिक करना है। आप देख लीजिए जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा प्रोसेस कर लीजिए। सेटिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलता है, जनरेट आप देख सकते हैं, और यहाँ पे चेंज पिन एम पिन। तो आपको एम पिन पे क्लिक करना है। आपको बता देना हूँ स्टेप बाय स्टेप, आप बाकी का सेटिंग मत छेड़िएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर जो पिन आपने अभी तक डाले हैं उस पिन को इंटर करना है आपको। उसके बाद रिपीट में आपको वो पिन जो कि इंटर जो नया पिन है री पिन आप डाल सकते हैं। नीचे सबसे पहले आपका पिन डालना है, उसके बाद नया पिन, उसके बाद फिर से नया पिन, मतलब दो बार नया पिन डालना होगा, उसके बाद कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद आप देख सकते हैं आपका पिन सक्सेसफुली रीसेट हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपना जो कि पिन एम पिन जो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिंपली चेंज हो चुका है, आप फिर से नए पिन से आप लॉगिन कर पाएंगे। सिंपली आपको यहाँ पे लॉगिन करना है, एक नया पिन डालना है, और जो अभी नया पिन चेंज करे वो पिन डालना है, और सक्सेसफुली आप लॉगिन भी कर पाएंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर आपको बैंक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।